बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम हंक जिनकी उम्र हो चुकी है 46 साल यानी कि ऋतिक रोशन तलाकशुदा हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो फिर से शादी करने का मन बना रहे हैं। ऋतिक रोशन बीते दिनों अपने फिटनेस को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे, लेकिन ऋतिक रोशन ने साल 2002 में अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी करने के बाद उनसे 12 साल बाद तलाक भी ले लिया। दोनों के अलग होने की वजह रही ऋतिक रोशन का मैरिटल अफेयर, जिसके चलते दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुए। हालांकि तलाक के बाद उनका भी दिल टूटा और साथ ही उनके परिवार वालों का भी और उनके फैंस का भी। इस फैसले से कई लोग नाखुश नजर आए थे, लेकिन तलाक के बाद भी ये कपल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ भी देते हुए नजर आते हैं। वेल, ऋतिक और सुजैन को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि ऋतिक ने अलग होने के 5 साल के बाद फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है। हाल ही में सुजैन खान ने अपने इन-लॉज और अपने बच्चों के साथ फ्रांस में वेकेशन की तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों में सुजैन अपने एक्स हस्बैंड और ससुराल वालों के साथ बेहद खुश नजर आ रही थी और उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मॉडर्न फैमिली का कैप्शन भी दिया। इनसाइड सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक और सुजैन ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है और एक दूसरे के साथ फिर से शादी करना चाहते हैं। ऋतिक के लगातार लिंकअप की अफवाहों के कारण सुजैन के पास तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अलग होने के बावजूद दोनों ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी ली। लेकिन अब ऋतिक ने ये भी महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन में सुजैन की जरूरत बहुत ज्यादा है। यही नहीं, ऋतिक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक गलती भी बताया था और ये भी कहा कि उन्हें इस बात पर काफी पछतावा है। ऋतिक और सुजैन की शादी किसी फेरी टेल शादी से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अब ऋतिक ने एक बार फिर से सुजैन और अपने रिश्ते को एक और मौका देने का मन बना लिया है। वह दोनों अब समझ गए हैं कि उनके बच्चों को उनकी जिंदगी में एक साथ उनकी जरूरत है। यहाँ तक कि सुजैन के पिता ने भी एक बार कहा था कि ऋतिक और सुजैन दोनों अपने बच्चों से कभी अलग नहीं हुए और वो ये भी मानते हैं कि ये दोनों इंडस्ट्री के बेस्ट कपल हैं। यही नहीं, हाल ही में फ्रांस से शेयर की गई अपनी वेकेशन पिक्चर में भी अब ये साबित कर चुकी हैं सुजैन खान कि दोनों को एक बार फिर से अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। सुजैन ने फ्रांस की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने कैप्शन में न्यू बॉर्न्स का भी जिक्र किया, जो उनके दोबारा शादी करने के फैसले को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि सुजैन खान को पिछले दिन ऋतिक रोशन के बर्थडे पर भी स्पॉट किया गया था, जहाँ उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को काफी महंगा तोहफा भी दिया। वह सुजैन कई बार अपने एक्स हस्बैंड के साथ भी अपने वेकेशन टाइम की तस्वीरें शेयर करती रहती है। यहाँ तक कि दोनों को कई बार डाइवोर्स के बाद भी एक साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया जा चुका है और ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि दोनों अपने रिश्ते को एक बार फिर से एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा से शादी करने वाले ऋतिक रोशन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।